मार्कशीट में हम पढ़ेंगे सजीव एवं उनके परिवेश के बारे में, विशेष रूप से पर्वतीय आवास, पर्वतीय पौधे और पर्वतीय जंतुओं के बारे में। फिर इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका उत्तरों को समझेंगे आप, बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं, लिख कर दूंगा मैं। तो चलिए करते हैं। पर्वतीय आवास क्या होते हैं? वे क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं जहाँ पर तेज़ हवाएं भी चलती हैं, ठंडी हवा, शीत लहर बोलते हैं जिसको। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है, यानी कि बर्फबारी गिरती है, बर्फ़ गिरती है, देखा होगा आपने। पर्वतीय क्षेत्र में पौधे एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। हाँ, एक वास्ट लेव प्रकार की जीव और जंतु वहाँ पाए जाते हैं, पौधे भी। पर्वतीय क्षेत्रों के पौधे कैसे होते हैं? ये वृक्ष सामान्यतः शंकुआकार होते हैं, मतलब कि इस प्रकार के चित्र देख रहे हैं आप, इस तरीके का इनका आकार होता है, तथा इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, जो टहनियां होती हैं इस प्रकार की होती हैं, जैसे एक्समस ट्री देखा होगा आपने। इससे वर्षा का जल एवं बर्फ आसानी से फिसल जाता है, नीचे की तरफ गिर जाते हैं इस तरीके से फिसल कर। इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियाँ सुई के आकार की होती हैं, पतली पतली होती हैं, नुकीली, क्योंकि अगर चौड़ी होंगी तो बर्फ़ को या पानी को होल्ड करेंगी, जिससे कि इन पर भार पड़ेगा और ये टूट सकती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष ये देख लिया हमने। अब पढ़ते हैं पर्वतीय क्षेत्र के जंतु के बारे में। तो पर्वतीय क्षेत्र के जो जंतु होते हैं, उनकी खासियत ये है कि वह बर्फीले क्षेत्रों में रहने के लिए अपने आप को ढाल लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूल होते हैं। उनकी मोटी त्वचा या और फर ठंड से उनका बचाव करती है। इनकी जो त्वचा होती है, खाल जो होती है इनकी, वो मोटी होती है, प्लस इनके ऊपर बाल होते हैं इस तरीके का, जिसको फर बोलते हैं। तो ये इनका ठंड से बचाव करती है और इनके शरीर को गर्म रखती है, इतना अनुकूल रखती है कि सर्दी के दिनों में भी वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है, देख पा रहे हैं आप। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं, उसके पैरों में भी रुएं होते हैं। पहाड़ी बकरे के मजबूत खुर उसे ढालदार पहाड़ों चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जो बकरा है ये देख पा रहे हैं आप, ये आसानी से ढाल पर चढ़ सकता है और उतर सकता है, क्योंकि इसकी खुर की बनावट इस तरीके की होती है, मतलब मजबूत होती है। इसके कुछ प्रश्न इनको करते हैं, इसका आंसर मैं लिख कर दूंगा, जो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि ठंडे स्थानों पर पाए जाने वाले जंतुओं की त्वचा उन्हें ठंड से किस प्रकार बचाती है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेस पे इसका आंसर भी लिखेंगे। इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे कि ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं की त्वचा मोटी होती है, जिस पर फर भी होते हैं, जो सर्दी से बचाने में मदद करते हैं और उनको उस क्षेत्र में रहने के अनुकूल बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से हम, ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों के लक्षण लिखिए। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, पर्वतीय क्षेत्रों के वन शंकुधारी होते हैं, इनकी टहनियाँ नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, जिससे उनके ऊपर पड़ने वाली पानी की बूंदें या बर्फ नीचे लुढ़क जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ शाखाएँ सीधी होती हैं, जिस पर बर्फ के दबाव पड़ने से वह टूट जाती हैं। तो इस प्रकार की घटना भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को अक्सर मिल जाया करती हैं। कुछ टहनियाँ, जैसे ये पेड़ है तो इसकी टहनियाँ ऐसे ना होकर के कुछ टहनियाँ सीधी रह जाएंगी, तो ये वैसे इस तरीके की होंगी तो शंकुधारी कहलाएंगी, और अगर सीधी रहेगी, इस पर बर्फ पड़ती रहती है, जमती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि भार के कारण ये टूट जाती है। आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर नाउ, स्टे सेफ़।